मिस्ट्री हरी आंखों वाली चांदी के रंग की फारसी बिल्ली हमेशा अपने घर के पीछे के प्राचीन जंगलों की ओर खींचती थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि ये जंगल जादुई है और इनमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। एक सांझ मिस्ट्री ने जंगल में कदम रखा, उसकी जिज्ञासा ने उसके दर पर जीत पाली। जैसे जैसे वह गहराई में बढ़ती गई, हवा में जादू घूमने लगा और पेड़ जीवंत होते प्रतीत हुए। जल्द ही उसने एक चमकते हुए चांद के आकार का तालाब देखा। जैसे ही मिस्ट्री ने उसकी झिलमिलाती सतह पर नजर डाली, एक नरम आवाज गूंजी, जादू की दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, चुनी हुई रक्षक। बिना देर किए मिस्ट्री ने छलांग लगाई। मिस्ट्री एक चमकदार नई दुनिया में पहुंची, जहां तैरते द्वीप, चमचमाती नदियां और सुनहरे व बैंगनी रंग से सजे आसमान थे। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, बिल्लियों का एक समूह उसकी ओर बढ़ा। समूह की नेता एक समझदार काली बिल्ली जिसका नाम लूना था, ने बताया कि यह जादू की दुनिया है जो सपनों की ऊर्जा से संचालित होती है, लेकिन उनकी जादुई शक्ति कमजोर हो रही थी क्योंकि ड्रीमस्टोन, जो उनकी शक्ति का स्रोत था, भ्रष्ट हो चुका था। लूना ने मिस्ट्री को बताया कि केवल वही ड्रीमस्टोन को पुनः शुद्ध कर सकती है, क्योंकि वह चुनी हुई रक्षक थी। मिस्ट्री ने थोड़ी घबराहट के साथ सहमति जताई और उसे उसकी यात्रा के लिए एक क्रिस्टल पेंडेंट दिया गया। मिस्ट्री ने अपने मिशन की शुरुआत की, जहां हर मोड़ पर जादुई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। उसने चमकते पुलों को पार किया, प्राचीन पहेलियां सुलझाईं और शरारती आत्माओं द्वारा संरक्षित बदलती पगडंडियों की भूल भुलैया में यात्रा की। जैसे ही मिस्ट्री ड्रीमस्टोन के पास पहुंची, आसमान गहराते गए और वह शैडो व्रेथ से टकराई, एक भूतिया जीव जिसका उद्देश्य ड्रीमस्टोन को भ्रष्ट बनाए रखना था। व्रेथ की ठंडी आवाज गूंजी, तुम भी दूसरों की तरह असफल हो जाओगी। मिस्ट्री ने अपना सारा साहस जुटाया और पेंडेंट की रोशनी से जवाब दिया, जो गर्माहट और उम्मीद बिखेर रही थी। वैद्य पीछे हट गया, लेकिन उसकी शक्ति और तेज हो गई। मिस्ट्री को एहसास हुआ